कहानी सिनेमा। लगभग 300 घरों का एक छोटा सा गांव जोगिया। समय दोपहर के 2 बज चुके हैं। गर्मी का मौसम, साए साए चलती गर्म हवाएं जो गांव की कच्ची पगडंडियों से धूल को उड़ाते हुए मानो खेल खेलने में व्यस्त हैं। लगभग हर तीसरे घर के आंगन में लगे नीम के पेड़ के पत्ते गिरकर गांव के खपरेल मकानों के ऊपर डेरा जमाए हुए सूख चुके हैं और चलती गर्म हवाओं के सहारे मानो लुढ़कते हुए गोबर से लिपे हुए आंगन में बिखर कर अंगड़ाई लेने को बेताब है। गर्मी इतनी जैसे प्रकृति ने सारे गांव में कर्फ्यू लगा दिया हो। सूनी गांव की गलियां, सूना गांव का मैदान जिसमें कुछ घंटे पहले ही बच्चे कई मिन्नतें करने के बाद दर्जी चाचा की दुकान से लाए हुए कपड़े की चिंदियों को इकट्ठा करके बनाई गई गेंद को फेंक कर एक दूसरे को मारने और बचने का खेल खेल रहे थे। अब ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह मैदान सदियों से खाली पड़ा है। यह मैदान न केवल बच्चों के खेल का साक्षी रहा है, बल्कि इसने अपनी गोद में शादियां, छोटे जादूगर के जादू, दुनिया को विदा कर चुके लोगों के श्रद्धांजलि पाठ, भोज, भंडारा और यहाँ तक कि विवादों की दशा में पंचायतों के कई निर्णयों को भी अपने अंजाम तक पहुँचने का साक्षी रहा है। मैदान लगभग 5 एकड़ सरकारी जमीन तक सीमित है, जिसमें प्राकृतिक रूप से बारीक पीली मिट्टी बिछी हुई है। मैदान के चारों ओर कच्ची पगडंडी के बाद खपरेल मकान के आंगन शुरू होते हैं। लगभग सभी घरों के आंगन गोबर से लिपे हुए हैं और आंगन के चारों ओर छुई को घोलकर सीमा बनाई गई है। कुछ समृद्ध घरों में आंगन के चारों ओर मिट्टी की 4 फीट ऊंची दीवार भी बना दी गई है। ये बात अलग है कि उनमें भी दरवाजे की आवश्यकता नहीं जताई है। सिवाय गांव के मुखिया के घर को छोड़कर जिसमें 4 फीट के स्थान पर 6 फीट की दीवार और साथ ही लकड़ी के 2 पल्लों के किवाड़ ने जगह ले रखी है। बिना दीवारों और 4 फीट की दीवारों के बीच 6 फीट की दीवार के घमंड को चूर करता हुआ उस दीवार के अंदर एक विशाल काय नीम का पेड़ पुरानी पत्तियों को गिराने के बाद नई पत्तियों और निबोलियों से लदा हुआ झूम झूम कर गर्म हवाओं की गर्मी को मानो ठंडा करने में व्यस्त है। अंदाजा लगाना मुश्किल है कि पेड़ों के हिलने के कारण हवा चल रही है या हवा चलने के कारण पेड़ हिल रहे हैं। गर्म हवा के साथ साए साए की आवाज और पेड़ों की पत्तियों के हिलने की आवाज, दोनों आवाजें मिलकर उबासी भरा माहौल पूरे गांव में फैला रहे हैं। सिनेमा वाला आया, सिनेमा वाला आया, आओ बच्चों आओ सिनेमा देखो, बिल्कुल नई पिक्चर लेके आया, तुम्हारे गांव आया, सिनेमा वाला आया, सिनेमा वाला आया। घंसू की आंखों में आती हुई हल्की सी चपकी अचानक रूट कर जाते हुए अपनी जगह आंखों में चमक छोड़ गई। घंसू 10 साल का लड़का है जो कच्ची जमीन पर बिछी दरी पर अपने दाएं हाथ को मोड़कर तकिया नुमा करके आंखें बंद कर लेटी अपनी माँ के बगल में लगभग 1 घंटे पहले अपनी पीठ पर माँ के उसी हाथ से धौल खाकर बिना मर्जी के लेटकर सोने का असफल प्रयास कर रहा था। घंसू अचानक सिनेमा वाले की आवाज़ सुनकर सचेत हो उठता है। खप्पर की ओर देखती हुई आंखों को धीरे से बाईं ओर घुमाकर माँ की ओर देखकर घंसू ने निश्चय किया कि हाँ, माँ अभी भी सोई हुई है। घंसू ने धीरे से खांस कर यह निश्चय भी किया कि माँ सिर्फ सोई ही नहीं है बल्कि गहरी नींद में भी है। धीरे से घंसू ने दाहिनी ओर करवट ली और बिना किसी आवाज के उठता हुआ कमरे के खुले हुए किवाड़ की दहरी के बाहर अपना दाहिना पैर रख दिया। इसके बाद उसे स्वयं भी पता नहीं चला कि वह कब आंगन को पार करता हुआ 4 फीट की दीवार के दरवाजे नुमा खुले हुए हिस्से में पहुंच गया। उससे लगभग 200 फीट दूर मैदान से लगी पगडंडी के किनारे लगे आम के पेड़ के नीचे खड़ा लगभग 50-55 साल का आदमी सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहने, बाएं कंधे पर लाल किनारी वाला सफ़ेद गमछा डाले, उसी कंधे पर गमछे के ऊपर
पतले लोहे की पट्टियां से बना डमरू नुमा स्टैंड टांगे और सिर पर कपड़े की गुंडी बनाकर उसके ऊपर लकड़ी और मेटल से बने एक बड़े से डिब्बे को रखा, चारों ओर सुनसान घरों की ओर बड़ी उम्मीद से देख रहा है। घनसू उसकी ओर इतनी उत्सुकता से देख रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि तेज धूप से तपती जमीन पर उसके छोटे छोटे नंगे पैरों के तालू स्वतः ही उंगलियों और एड़ियों के सहारे होकर जमीन से ऊपर उठते चले जा रहे हैं। घनसू ने एक बार वापस घर के दरवाजे की ओर देखा और फिर उस आदमी की ओर दौड़ लगा दी। दूर से बच्चे को अपनी ओर आते देख उस आदमी ने अपने बाएं हाथ से बाएं कंधे पर टंगे डमरूनुमा स्टैंड को उतार कर सामने जमीन पर रखा और सिर पर रखे बड़े बॉक्स जिसे उसने दाहिने हाथ से पकड़ कर रखा था अपने दोनों हाथों से उतार कर सामने स्टैंड के ऊपर रख दिया। अब तक घनसू उसके समीप पहुंच चुका था। आदमी ने अपने सिर से कपड़े की गुंडी उतार कर उसे खोला और पेड़ के नीचे छांव में बिछाते हुए बोला, बेटा इतनी धूप में तुम बाहर क्यों आ गए? घनसू, काका तुम कौन हो? आदमी, बेटा शहर से आया हूँ, सिनेमा दिखाता हूँ। घनसू, लेकिन माँ तो कहती है कि सिनेमा शहर में होता है और वहाँ जाकर सिनेमा देखने में बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। आदमी अब तक पालथी मारकर बैठ चुका था। तो तुमने अब तक सिनेमा नहीं देखा? घनसू, नहीं, लेकिन माँ कहती है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा तो वो मुझे शहर जाने देगी और वो सिनेमा भी देखने देगी। वो कहती है कि फिर वह भी सिनेमा साथ में देखने चलेगी। आदमी, तो क्या तुम्हारी माँ ने भी अभी सिनेमा नहीं देखा? घनसू, मुखिया काकी जो शहर के पास के गांव की हैं, गांव में सिर्फ उन्होंने ही सिनेमा देखा है, बाकी किसी ने भी नहीं। आदमी मुस्कुराकर पीछे पेड़ में टिकते हुए बोला, फिर तो मैं सही जगह आया हूँ बेटा। घनसू किनारे पर लगी घास पर खड़ा हो जाता है। आदमी, तुम नंगे पैर इतनी धूप में क्यों आ गए? लो मेरी चप्पल पर खड़े हो जाओ, कहते हुए उसने अपनी चप्पल घनसू की ओर खिसका दी। घनसू, नहीं नहीं अब ठीक है, घास में गर्म नहीं लग रहा है। वैसे काका इस डिब्बे में क्या है? आदमी मुस्कुराते हुए बोला, पहले तुम अपना नाम बताओ। घनसू, काका मेरा नाम घनसू है और आपका नाम? आदमी, घनसू बेटा मेरा नाम सूरज है। घनसू, अच्छा अब आप बताइए इसमें क्या है? घनसू ने बड़े बॉक्स की ओर उंगली करते हुए इशारा किया। सूरज, इसमें सिनेमा है घनसू। घनसू की आंखों में सिनेमा का नाम सुनकर चमक तेज हो जाती है। घनसू, सिनेमा? सूरज, हाँ सिनेमा। घनसू, लेकिन मैंने तो सुना था कि सिनेमा बहुत बड़ा होता है। सूरज हंसता हुआ बोला, जब इसमें देखा जाता है तो इसमें भी बड़ा ही दिखता है। घनसू, फिर तो दिखाओ। सूरज, दिखाऊंगा लेकिन जब और लोग भी आ जाएंगे तब। अभी तो सभी गांव वाले गर्मी के कारण अपने अपने घरों में हैं शायद। थोड़ा सूरज ढल जाने दो, फिर इसी मैदान में दिखाऊंगा। घनसू कुछ बोल पाता उससे पहले ही उसके घर की ओर से आवाज आती है, घनसू चल घर आ जा, इतनी दोपहरी को कहाँ घूम रहा है? घनसू घबरा कर अपने घर की ओर भागता है तो आंगन में खड़ी माँ उसे गुस्से से घूर रही थी। घनसू घर की ओर दौड़ पड़ा, जाते जाते उसने सूरज की ओर पलट कर देखा और मुस्कुरा दिया। सूरज ने भी मुस्कुरा कर हाथ हिला दिया। शाम के 4:30 बज रहे थे। सूर्य नारायण ने अपना ताप कम करना प्रारंभ कर दिया था। गर्म हवा भी थमने लगी थी। गांव के घरों से लोगों ने निकलना शुरू कर दिया था। घनसू माँ के बगल में लेटा शाम होने का इंतजार कर रहा था। घनसू, माँ शाम हो गई, उठो ना। माँ ने आंखें खोली और दीवार में लटकी हुई घड़ी की ओर देखा, फिर घनसू की ओर देखकर कहा, हाँ शाम तो हो गई है लेकिन तुझे आज इतनी जल्दी क्या है? घनसू, माँ
वो आज शहर से सिनेमा आया है। माँ कुछ सोचकर बोली, तो दोपहर को तू जो बाहर गया था उस आदमी के पास, वो शहर से आया है? गंसू, हाँ माँ, वो सिनेमा काका शहर से आए हैं, साथ में सिनेमा भी लाए हैं। माँ, सिनेमा काका? गंसू, हाँ माँ, वैसे उन्होंने अपना नाम कुछ और बताया था, लेकिन वो सिनेमा लाए हैं ना, इसलिए सिनेमा काका नाम ठीक है। गंसू की बातों से माँ मुस्कुरा उठी और आगे बढ़कर उसका माथा चूम लिया। माँ, ठीक है, उठो, हाथ मुंह धो लो, तैयार हो जाओ, फिर देखते हैं क्या है।